आइडिया स्टार्ट करते हैं। ओपन एनी ब्राउज़र लाइक क्रोम, क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लो, उसमें आपने लिंक फिल करना 192.168.1.1, ठीक है, वन एंटर करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेटअप पर जाएंगे। ये हमारा लॉगिन हो गया जेटी का मॉडम, इसमें हमने फिल करना है एडमिन, ठीक है, और नीचे हमने भरना है पासवर्ड। पासवर्ड है वेब, W बड़ा आएगा वेब @00063, ठीक है, ये मैंने मेंशन भी कर दिया साइड पे, आप चेक कर लेना। उसके बाद लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद हम जाएंगे इंटरफेस आएगा हमारे सामने, हमने देखना है नेटवर्क पे। नेटवर्क पे जाने के बाद हमें देखना है WLAN 2.4, ठीक है जी, 4G पे क्लिक करना है, ठीक है, 2.4 लिखा हुआ है, ये है हमारा ZTE के मॉडम का 2.4 वर्जन, ठीक है। इसमें हमने SSD ID लिखा हुआ है जहाँ पे सेटिंग्स, उसके नीचे सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी पे जाना है, इसमें SSD 3 करना है, ठीक है। 3 करने के बाद आपको शो पासवर्ड का ऑप्शन होगा, बिल्कुल कॉलम टिक मार्क करने के लिए टिक करना है, वहाँ पे आपका पासवर्ड शो हो जाएगा। आपने कोई भी पासवर्ड रखना है वो फिल कीजिए यहाँ पे, ठीक है, और याद रखिए वो पासवर्ड याद रखना है। उसके बाद सबमिट कर देना, सबमिट करने के बाद सेव कर दो। अब आपने वाईफाई में जाके पासवर्ड फॉरगेट कर लो और वहाँ पे न्यू पासवर्ड फिल कर लो, आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।